सो दोस्तों गुड मॉर्निंग। वापस एक बार दीप गजबे इंपीरियल फिनिश्ड प्राइवेट लिमिटेड से मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारी निगेटिविटी में काफ़ी सारी पॉजिटिव खबर। नाउ जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी निगेटिविटी बाजार में चल रही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव खबर जो आई है वो ये है कि फरवरी मार्च अप्रैल में जो फास्टैग और ईवी बिल का जो बिल आया था वो बॉटम होके मई में नंबर बहुत अच्छे से बढ़ गए हैं। So that is something really, really good news. Count भी बढ़ गए और वैल्यू जो था मतलब जो टैक्स आता था वो टोल का टैक्स बढ़ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आया है बेसिकली कमर्शियल व्हीकल के ट्रांजेक्शन से। सो पहली बात कि ट्रैफिक बढ़ा। दूसरी एक खबर है जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है एग्रीकल्चर कोल्ड स्टॉक सॉफ्टन द ब्लो दिस टाइम बाय ग्रोइंग नियर एट स्ट्रेट रेट अज्यूमिंग द नॉर्मल मानसून। मतलब जैसे पिछले 3 साल से नॉर्मल मानसून था वैसे ही अभी भी नॉर्मल मानसून रहेगा, और पिछले 70 दिनों ने जिस तरीके से क्लाइमेट को चेंज कर दिया है आई एम श्योर दैट मानसून विल बी अमेजिंगली सुपर। सो ये एक वापस से पॉजिटिव खबर जो आपको ऑलरेडी पता है। एक तीसरी पॉजिटिव खबर जो मेरे पास है वो ये है कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद रिटेल ग्रोसरी की एक्टिविटी बढ़ी है, और इसमें डेटा दिखा रहा है मार्च 20 से तो मई 20 में हम लोग जहां -90 पे थे वहां पे हम लोग 19 पे पहुंच गए हैं। सो दैट इज समथिंग रियली रियली गुड डेटा विच वी हैव। नाउ एक और बहुत अच्छी चीज जो मेरे लिए है कि मेरे पास है कि ये सारे डेटा में अभी भी निफ्टी निफ्टी मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप ये आपके लिए अभी भी सस्ती अवेलेबल है। तो सेल मचा हुआ है, सेल लगा हुआ है, इस सेल को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे इस बारे में मैं नेक्स्ट आता हूं। तो वैल्यूएशन अभी भी चीप है। नाउ वैल्यूएशन चीप है, चीजें बहुत ज्यादा दुरुस्त हो रही है। ऐसे इसमें एक और नहीं मेरे पास एक अच्छी खबर है वो ये कि पावर डिमांड जो है वो बढ़ी है। पावर डिमांड अगर बढ़ी है इसका मतलब कि काम चालू हुआ सर, और काम चालू हुआ इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी सिस्टम के अंदर आई है। मेरे पास एक और बहुत शानदार न्यूज है, और न्यूज क्या है, और न्यूज ये है कि एस्ट्राजेनेका स्टार्ट्स प्रोडक्शन इन ऑक्सफोर्ड्स COVID-19 वैक्सीन एक्सपेक्ट रोल आउट इन सेप्टेम्बर। सो इन्होंने ऑलरेडी 200 करोड़ डोजेस वर्ल्ड वाइड बनाने का काम चालू कर दिया है, और ये इंतजार नहीं करना चाहते कि जब सितंबर में फाइनल रिजल्ट आएंगे उसके बाद में हम लोग अक्टूबर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे, और फिर दिसंबर में लोगों के हाथ तक में बाकी लॉजिस्टिक बहुत सारी अलग अलग चीजों के साथ हम लोग जनवरी फरवरी में पहुंचाना चालू करेंगे। उसके पहले इन लोगों ने इसको मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, मतलब इनके पास कोई ठोस डेटा है जिस डेटा के भरोसे इन लोगों ने इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या साहब कि लॉट ऑफ हैपनिंग्स आर हैपनिंग। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हम लोग वापस देख सकते हैं कि इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में क्या दिख रही है, तो सब साइडवेज है, लेकिन मीडियम टर्म में कैसी है, ऊपर है। कॉर्पोरेट अर्निंग शॉर्ट टर्म में क्या है, साइडवेज है, लेकिन मीडियम टर्म में ऊपर है, ग्रीन है। एफआई फ्लो शॉर्ट टर्म में साइडवेज है लेकिन मीडियम टर्म में ऊपर है, और डीआई का जो फ्लो है वो शॉर्ट टर्म में साइडवेज है लेकिन मीडियम टर्म में ऊपर है। सप्लाई ऑफ पेपर, पेपर मतलब जिसपे इन्वेस्टमेंट होता है या जो पेपर ट्रेड होते हैं, सप्लाई ऑफ पेपर जो है वो नीचे जाएंगे, मतलब सप्लाई जो बहुत ज्यादा पेपर का नहीं रहेगा, बिकॉज सिस्टम में लिक्विडिटी ह्यूज अवेलेबल है, और पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है वो पॉलिसी रिफॉर्म्स हमको लगते हैं कि और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये साहब कि बाजार में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, इट डिपेंड्स एक्चुअली हम लोग इस पॉजिटिविटी को कैसा देखते हैं और इस पॉजिटिविटी से कैसा लेते हैं। मुझे लगता है बाजार अभी जो है वो ये देख ही नहीं रहा है कि बाजार में हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो मई 2020 के हिसाब से लगा रहे हैं कि मई 2021 के हिसाब से लगा रहे हैं, कि आप पैसा जो है बाजार में मई 2022 के हिसाब से लगा रहे हैं या जून 2023 के हिसाब से लगा रहे हैं। तो जो भी पैसा बाजार में आ रहा है मुझे ऐसा लगता है ये पैसा जो है वो आ रहा है मई 2022, मई 2023, जून 2023, जून 2024, जून 2025, और जिस तरीके से एफआई वापस आया है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिपॉजिट्स के रेट भी काफी नीचे आए हैं। तो जितने डिपॉजिट जो है वो मैच्योर होना चालू होंगे, वो मैच्योर हुए डिपॉजिट जो है वो अभी इतने कम रेट पे तो साहब डिपॉजिट वापस लोग करेंगे नहीं, बैंकों को पैसा चाहिए नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 8.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उनके पास 3.5 दिन रखे हुए उन्होंने आरबीआई के पास रखी हुई है। सो ऐसे सीन में ना सब आपके पास एम्पल ऑफ लिक्विडिटी रहेगा, और एम्पल ऑफ लिक्विडिटी जाएगा कहां पे, तो एम्पल ऑफ लिक्विडिटी सब आएगा वापस से ऐसे असेट्स में जिन पे उनको रिटर्न मिलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी या ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल है। और मुझे लगता है बाजार से ज्यादा म्यूचुअल फंड से ज्यादा आइदर वो डेट हो इक्विटी हो उससे अच्छा दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में अवेलेबल नहीं है। और अगर
ये पैसा उन रिटर्न्स को चेस करेगा तो बाजार में, अगर बाजार में कराएगा साहब तो बाजार ऊपर पक्का जाएंगे। मुझे ये लगता है बाजार बहुत वैल्यूड है, इसको आप स्टैगर्ड मैनर में, इसको असेट एलोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, तो हमको रिटर्न मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ऑप्शन आपका है, मैं आपके साथ हूँ। एनी टाइम यू कैन कॉल मी एट आवर बोर्ड लाइन नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें हमारी दी हुई है। हमारा ऐप जो है इंपीरियल मनी, इट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग, वो भी नीचे में दिया हुआ है, यू कैन प्लीज डाउनलोड। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी वाई एम्पीरियल मनी, यू सर्टेनली विल नॉट एंजॉय। स्टे ट्यून, प्लीज सब्सक्राइब करें हमको हमारे चैनल पे, और इसी टाइप की और एक न्यूज और काफी सारी न्यूज के लिए हम लोग आपसे वापस मिलेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि अगर आपका कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के हम लोग आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।